अमिताभ बच्चन के डूबते करियर को संवारने वाली फिल्म जंजीर को रिलीज हुए पूरे 47 साल हो चुके हैं। ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को रातों रात इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार का दर्जा दिलवा दिया था। 4 साल से लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद अमिताभ खुद भी संघर्ष करते करते थक चुके थे। इससे पहले उन्होंने करीब 12 फिल्मों में काम किया, लेकिन बॉम्बे टू गोवा और आनंद फिल्म ही चल पाई थी। हालांकि जंजीर भी शुरुआत में उतनी कामयाब नहीं रही थी, जिसकी वजह से अमिताभ को बुखार तक आ गया था। जंजीर अमिताभ की सबसे सफल फिल्मों में से एक है और आज इस फिल्म के सीक्वल को बनाने की खबरें सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अमिताभ बच्चन की जंजीर फिल्म के सीक्वल के बारे में ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं ओरिजिनल जंजीर फिल्म के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अमिताभ बच्चन से पहले ये फिल्म धर्मेंद्र, देवानंद और राजकुमार को ऑफर हुई थी, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा इस फिल्म को इन तीनों में से किसी भी एक्टर के साथ नहीं बनाना चाहते थे। एक इंटरव्यू में प्रकाश मेहरा ने बताया था कि धर्मेंद्र फिल्म में लीड रोल करने को तैयार हो गए थे, वो इसे प्रोड्यूस भी करना चाहते थे और उन्होंने धर्मेंद्र और मुमताज को लेकर लीड रोल में फिल्म का ऐलान भी कर दिया था। प्रकाश मेहरा के मुताबिक एक दिन धर्मेंद्र ने उनसे कहा कि वो अपने भाई की फिल्म शुरू करना चाहते हैं और उसकी शूटिंग आधी होने के बाद ही वो जंजीर पर काम कर पाएंगे। उनकी प्लानिंग अपनी फिल्म को 6 महीने में पूरी करने की थी, तो प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। इसके बाद जब धर्मेंद्र ने ये फिल्म छोड़ी, तब प्रकाश मेहरा देवानंद के पास इस फिल्म को लेकर पहुंचे। देवानंद को कहानी तो पसंद आई, लेकिन उन्हें इसमें गानों की कमी लगी। उन्होंने फिल्म में 3-4 गाने डालने को कहा, लेकिन प्रकाश मेहरा इसके लिए तैयार नहीं थे। इस पर देवानंद ने फिल्म करने से साफ मना कर दिया। फिर देवानंद के बाद प्रकाश मेहरा राजकुमार के पास जंजीर का ऑफर लेकर गए। उस वक्त राजकुमार मुमताज के साथ चेन्नई में एक फिल्म पर काम कर रहे थे। राजकुमार को फिल्म इतनी पसंद आई कि वो अगले दिन से ही शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो चाहते थे कि इस फिल्म की शूटिंग साउथ इंडिया में ही हो, ताकि वो चेन्नई में ही अपनी उस फिल्म की शूटिंग भी करते रहें। लेकिन प्रकाश मेहरा उनकी इस शर्त पर राजी नहीं हुए। जब 3-3 लोगों ने जंजीर को ठुकरा दिया, तो एक दिन प्राण साहब ने प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन को फिल्म में लेने की सलाह दी। प्रकाश मेहरा के मुताबिक प्राण ने उनसे कहा था कि अमिताभ को बॉम्बे टू गोवा में देखने के बाद उन्हें लगता है कि वो फ्यूचर स्टार हैं। वहीं प्रकाश मेहरा खुद भी अमिताभ के फाइटिंग सीन से बहुत प्रभावित हुए थे। अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर में लेने के बाद लोगों ने प्रकाश मेहरा को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद अमिताभ और मुमताज की फिल्म बंधे हाथ आई और वो बुरी तरह से फ्लॉप रही। इसके बाद अमिताभ ने प्रकाश मेहरा को कहा कि अगर जंजीर भी फ्लॉप हो गई, तो उनका दिल टूट जाएगा और वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के अपने घर इलाहाबाद वापस चले जाएंगे। प्रकाश मेहरा के मुताबिक लोग उन पर हंसते थे और कहते थे कि ये लंबा सा हीरो कौन है। इस पर कई बार अमिताभ को रोना भी आ जाता था। प्रकाश मेहरा के मुताबिक कोलकाता में फिल्म अच्छी चली, लेकिन मुंबई में शुरुआती 4 दिन बिल्कुल अच्छे नहीं रहे। वो कहते हैं, मुझे लगा कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। इस फिल्म की खराब शुरुआत देखकर अमिताभ बच्चन पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा था कि उन्हें बुखार तक आ गया था। प्रकाश मेहरा के मुताबिक 4 दिन बाद जब दूसरे हफ्ते की बुकिंग शुरू हुई, तो वो बांद्रा के गैलेक्सी सिनेमा के सामने से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि खिड़की पर एडवांस बुकिंग के लिए भीड़ जमा है और 5 रुपए का टिकट लोग 100 रुपए में बेच रहे हैं। ये देखकर प्रकाश मेहरा की जान में जान आई और उन्हें तसल्ली हुई कि आखिर जंजीर हिट हो जाएगी। वहीं इस फिल्म का आज सीक्वल बनाने की खबरें बहुत जोरों पर हैं। वहीं हाल ही में फिल्म मेकर्स अमित मेहरा और अनिल मिश्रा के बीच अमिताभ बच्चन की इस आइकॉनिक फिल्म जंजीर के सीक्वल को बनाने की लड़ाई देखी जा रही है। अमित मेहरा जंजीर के सीक्वल में अभिषेक बच्चन को लेकर काम करना चाहते थे, लेकिन अनिल मिश्रा ने अमित मेहरा को पछाड़ते हुए अभिषेक बच्चन से पहले ही बात कर ली और उन्होंने इस फिल्म के टाइटल को रजिस्टर भी करवा लिया है। अनिल मिश्रा ने इस फिल्म का टाइटल 2006 में ही रजिस्टर करवा लिया था और उन्होंने फिर इसके टाइटल को 2008 में फिर से रिन्यू करवाया। उनके पास जंजीर 2 के टाइटल के राइट्स 2012 तक सेफ थे। वहीं अब ये फिल्म किसके खाते में आएगी, ये जानने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। खबरों की माने तो ऋतिक रोशन को भी इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है।
लेकिन वो किस फिल्म मेकर ने किया है इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। तो दोस्तों, अगर अमिताभ बच्चन की इस आइकॉनिक फिल्म जंजीर का पार्ट टू बनता है तो इसमें आप कौन से एक्टर को देखना चाहेंगे, ऋतिक रोशन को या अभिषेक बच्चन को? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।